साथ मैं दूँगा अभी इस वीडियो पे तो मैं आपको ये क्लियरली बता रहा हूँ कि एक पैंतीस पैसे का स्टॉक कैसे बन गया मल्टी बैगन ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा देखिए ये तीस पैंतीस पैसे का हुआ करता था स्टॉक और ये जो प्राइस थी ये पिछले दो सालों के अंदर ढाई सालों के अंदर में से स्टॉक ने गजब का मोमेंटम किया क्या इस स्टॉक पे ऐसी कोई ख़ास बात थी देखिए ये पैंतीस पैसे का यहाँ पे नज़र आ रहा होगा और इसका जो डेट है वो 2019 पे ही इस स्टॉक ने पैंतीस पैसे का हुआ करता था 2019 के 16 जुलाई का प्राइस मोमेंट प्राइस यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा पैंतीस पैसे ये स्टॉक था और इस स्टॉक का जो हाई है वो दो सौ रुपये का हाई है उसके बाद स्टॉक पे करेक्शन है स्टॉक का नाम क्या है तो आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे फ्लोमिक ग्लोबल लॉजिस्टिक लिमिटेड ये कंपनी लॉजिस्टिक्स से जुड़ी है और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा इस कंपनी का जो भी कामकाज हो रहा है नहीं हो रहा इसके फंडामेंटल्स आपको नज़र आ रहे होंगे सिर्फ एक सौ चौदह करोड़ की एक कंपनी आप बताइए इसमें जिन्होंने पैसे लगाए होंगे उनको कितना मल्टीबैगर वैगर रिटर्न मिला होगा अगर आपने एक लाख रुपया इस स्टॉक पे 2019 पे लगाया होगा तो आज इसकी वैल्यू है 4.5 करोड़ की जी हाँ आज आज आपके इस शेयर का जो प्राइस है उस प्राइस के अकॉर्डिंगली आपको ये दे रहा होगा साढ़े चार करोड़ अगर आपने 50 लाख रुपये लगाए होंगे तो भी आपको दो करोड़ से ज़्यादा का पैसा दे रहा होगा दो करोड़ पच्चीस लाख अगर आपने पच्चीस हज़ार रुपये लगाए होंगे तो भी आपको ये दे रहा होगा एक करोड़ बारह लाख के आसपास में और अगर आपने बारह हज़ार रुपया साढ़े बारह हज़ार इसका भी आधा कर दिया जाए तो भी आप पचास लाख पचास छप्पन लाख के मालिक हैं सोच के देखिए साढ़े बारह हज़ार का इन्वेस्टमेंट और छप्पन लाख की आसपास में आपका यहाँ पे पोर्टफोलियो खड़ा हो रहा क्या स्टॉक पे ऐसी कोई खास बात थी मुझे तो लगता नहीं है कि ये स्टॉक पर ऐसी कोई खास बात थी जिसके वजह से स्टॉक इतना मोमेंटम किया बट मोमेंटम कर रहा बस आप इसी चीज़ को समझिए लेकिन अगर मैं सेल्स की बात करूं तो आपको पॉजिटिव नज़र आएगा सितंबर 2020 हज़ार बीस में चालीस करोड़ की यहाँ पे सेल्स होती है फिर पचास करोड़ पैंतालीस करोड़ के आसपास में पचास करोड़ पचपन करोड़ और अस्सी करोड़ की सेल्स मतलब कंसिस्टेंट यहाँ पर सेल्स में जंप देखने को मिला इस कंपनी पर और और यहाँ पे जो प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट है वो करोड़ों पे प्रॉफिट भी नहीं है बट आपका कैपिटल करोड़ों में कन्वर्ट हो चुका होगा ये एक एग्जांपल है स्टॉक मार्केट का सिर्फ यही नहीं मैं आपको और एक कंपनी दिखा रहा हूँ देखिए ये दूसरी कंपनी है जिंदल पॉली इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड ऐसे स्टॉक की प्राइस मोमेंटम की अगर मैं बात करूँ तो आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर मैं तीन सालों का यहाँ पर चार्ट स्ट्रक्चर लगाना चाहूँगा और देखिए ये स्टॉक रहा करता था कितने का पंद्रह से बीस रुपये के आसपास में जो कि दो हज़ार बीस का प्राइस है और पिछले एक सालों में इस स्टॉक ने क्या कर दिया चार सौ रुपये का हाई बनाया स्टॉक में करेक्शन आई फिर से स्टॉक पे मोमेंटम है मैं ख़रीदने के लिए बिल्कुल अप्रोच नहीं कर रहा हूँ इस वीडियो को आप बाई या सेल के थॉट प्रोसेस से बिल्कुल नहीं देखिएगा ये कंपनी होल्डिंग इन्वेस्टमेंट मेनली इन इट्स ग्रुप कंपनीज ठीक है जिंदल पॉली के जितने भी कंपनीज़ हैं इनकी ग्रुप कंपनी है और 440 करोड़ के आसपास में इसकी मार्केट कैप है और ये दोनों पैरामीटर्स मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहे हैं कंपनी का डेट भी बहुत ज़्यादा प्रमोटर्स की होल्डिंग बहुत ही ज़बरदस्त है इस कंपनी पे ठीक है मैं इसके क्वार्टर क्वार्टर सेल्स की बात करूं प्रॉफिट की बात करूं तो वो आपको नज़र आएगा यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे सितंबर पे इन्होंने चार सौ इक्यासी करोड़ की सेल्स की है इससे पहले इनमें कुछ भी नज़र नहीं आया और ये जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट आप देख पा रहे होंगे पिछले दो क्वार्टर से तीन सौ तीन सौ साढ़े तीन सौ करोड़ के आसपास में आपको नज़र आ रहा है मतलब अचानक से तो ये होता है स्टॉक मार्केट पे निवेशित रहने से और कभी भी किसी भी कंपनी को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कुछ नहीं कर सकता कब क्या हो जाएगा कुछ भी पता नहीं एक बड़ी कंपनी आपको नीचे नज़र आ सकती है कोई छोटा स्टॉक आपको बड़ा रिटर्न्स निकाल के दे सकता है लाइक ब्राइटकॉम ग्रुप ऊर्जा ग्लोबल अभी स्विजलॉन पे मोमेंटम है मैं अप्रोच नहीं कर रहा हूँ आप इन सभी कंपनीज पे पैसे लगाइए लेकिन जो लोग इस पर लगाते हैं उनके लिए मैं ये वीडियो कंपोज कर रहा हूँ लेकिन ये काफ़ी रिस्की होते हैं ये भी मैं कहूँगा और इसीलिए इसमें बहुत ही छोटा पैसा लगाना चाहिए अगर आप लगाते हैं तो ठीक है बहुत ही छोटा प्राइस लाइक फाइव थाउजेंड फाइव के थ्री के फोर के टू के इसी तरीके के पैसे लगा के छोड़ना चाहिए भूल जाना चाहिए ये पैसा अगर मेरे लॉस भी हो गया तो हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ऐसी अप्रोच रखनी चाहिए तो ये वीडियो थी एक सिर्फ और सिर्फ आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए कैसे स्टॉक भी आपको पैसे बना के दे सकता है बाकी देखिए लार्ज कैप स्टॉक है आईटी कंपनीज़ हैं फार्मा कंपनीज़ हैं बैंकिंग शेयर्स हैं टॉप टॉप कंपनीज़ पे पैसे लगाएं जिससे आपको पैसा क्या है बहुत ही सुरक्षा क्षित रहेगा स्टॉक मार्केट पे ऐसे स्टॉक को उठाइए बाकी इस वीडियो पे इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद किसी भी स्टॉक पे बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ बस सिर्फ ऐसा आप सोचिए कि इस वीडियो को बनाने का मकसद है कैसे भी स्टॉक पैसे बना के दे सकता है एक नॉलेज पर्पज पे था इससे ज़्यादा कुछ नहीं थैंक यू